Welcome back to the channel, everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. So today's video is going to be about 10 secret tips for increasing speed and accuracy. So without wasting any further time, let's start the video. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं जिसका नाम है विंजो, जिस पे आप काफ़ी सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हो। इस ऐप पे इजी गेम्स खेल के आप रियल कैश कमा सकते हो। इस ऐप पर 40 से भी ज़्यादा गेम्स हैं, जैसे फ्री फायर, लूडो, बबल शूटर, कैरम और क्रिकेट गेम्स। और यही नहीं, विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है जिस पे आप आईपीएल सीजन में डेली 20,000 तक कमा सकते हो। और आप विंजो सुपरस्टार पर रेफर 40 तक अर्न कर सकते हो। और आप उस अर्निंग को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई, पेटीएम या तो बैंक में। और जो ऐप की ओवरऑल अर्निंग भी होगी उसको भी आप पेटीएम, यूपीआई या तो बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 3 रुपीज़ भी मिनिमम ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके डाउनलोड करो। और उस लिंक से आपको डाउनलोड करने पे 50 रुपीज़ बोनस और फैंटेसी टिकट्स मिलेगी। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट टिप की। तो काफ़ी सारे बंदे इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते कि वो अपने कस्टम एचयूडी में एक अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस नहीं रखते स्क्रीन रोटेशन के लिए, जिसके कारण उनका जो है एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ख़राब हो जाता है। जब आप नीचे स्क्रीन रोटेट कर रहे होते हो ना यहाँ पे, तो ये परफेक्ट रोटेट होता है, लेकिन जब नीचे स्पेस नहीं होगा आपका थंब ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता है। ऊपर जब गन्स के पास आप स्क्रीन रोटेट करते हो ना, वो परफेक्ट रोटेशन नहीं होती है। कभी कभार वहाँ पे स्क्रीन रोटेट होता भी नहीं है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसी वजह से आप जब रोटेशन में शॉट्स मारते हो ना, आजकल तो सारे शॉट्स रोटेशन पे ही होते हैं, जब आप रोटेशन पे शॉट मारते हो ना तो वो शॉट एग्जैक्ट नहीं पड़ता है। आपका एक्यूरेसी वहाँ पे आपको लगता है कम है, लेकिन वैसा नहीं होता है। आपका स्क्रीन ही गलत साइड से मूव हो रहा होता है, मतलब स्लो मूव हो रहा है या तो ज़्यादा मूव हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, फायर बटन के ऊपर जहाँ पे आप थंब से स्क्रीन रोटेट करते हो ना, वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए आपके थंब के लिए, ताकि आप प्रॉपरली स्क्रीन को मूव कर सको। और वहाँ पे कोई भी फायर बटन कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी बटन बीच में नहीं आना चाहिए, प्रॉपर रोटेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारी सेकंड टिप की। तो काफ़ी सारे बंदों को एक गलत कॉन्सेप्ट है कि फायर बटन छोटा करने से ड्रैग ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया इस पे और सीधे पता चलता है कि ड्रैग बटन छोटा करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो भी लोग आपको ये दे रहे हैं ना टिप्स, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। उल्टा पता है क्या होगा, जब भी आप फायर बटन छोटा करोगे ना, और जब आप क्लोज रेंज में क्विक फायर करने का कोशिश करोगे, फायर बटन प्रेस होगा ही नहीं। अब बात करते हैं एक सीक्रेट ट्रिक की। तो काफ़ी सारे बंदे मेरे को बोलते हैं, भाई जब भी हम स्पीड में ग्लू वॉल लगाने की कोशिश करते हैं तो ग्लू वॉल का बटन प्रेस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको एक सीक्रेट ट्रिक करना पड़ेगा। आपको ग्लू वॉल का ट्रांसपेरेंसी और साइज 100-100 करना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक ये है कि आपको आजू बाजू के जो भी बटन्स होंगे ना, जैसे बैक बटन है, आपका हेल्थ किट का बटन है, उसका जो ट्रांसपेरेंसी है आपको कम करना पड़ेगा। इवन जॉयस्टिक का भी ट्रांसपेरेंसी और साइज कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी आईज इजीली डिटेक्ट करेगी इस ग्लू वॉल के बटन को, आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली वहां जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे ही काम करता है। जब भी कोई ब्राइटर चीज होती है ना, आप जल्दी उस पर टैप कर पाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लू वॉल का बटन कितना ब्राइटर है, और इजीली मैं इसको स्पीड के साथ दबा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, इससे आपका ग्लू वॉल स्पीड जो है 100% इंक्रीज हो जाएगा। इवन अगर आपको किसी और बटन में सेम प्रॉब्लम होती है, आप उस पर सेम ट्रिक कर सकते हो और उस पर भी 100% टैप हो जाएगा फिर। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टिप की। तो काफ़ी सारे बंदों को इसमें भी एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि ड्रैग जो होता है पूरा सेंसिटिविटी पे ही होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एकदम से डीपीआई लगा के ड्रैग नहीं सीख सकते हो। आपका एमिंग जो होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एम कम से कम बॉडी के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप ड्रैग अच्छे से देख सकते हो। आप यूं ही मतलब नीचे टोज पे एम करके हेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, बॉडी के नीचे एम था, बॉडी पे ही लगा, बॉडी के ऊपर मैंने एम किया तब भी जाके हेड पे लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपने एकदम से इसका हवा बना के रखा है कि भाई वो डीपीआई यूज़र है तो ड्रैग उसको ज़्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीपीआई से मेन एडवांटेज बस स्पीड पे होती है। आपका जो ड्रैग है वो तब भी एंगल पे ही होता है। जब तक आपका एंगल कम से कम बॉडी के ऊपर नहीं होगा, और आपको पता होना चाहिए आपको कितना ड्रैग खींचना है, ठीक है, एकदम से आप आसमान की तरह एम करते हो, वो चीज़ नहीं चलती, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टिप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर में
एक्यूरेसी का मतलब डिफॉल्ट एम नहीं होता, एक्यूरेसी का यहाँ पे मेन इम्पैक्ट होता है आप कितना परफेक्टली स्क्रीन को रोटेट कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना परफेक्टली स्क्रीन रोटेट हो रहा है, ये चीज़ फ्री फायर में एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, मेन यही है, मेन डिफॉल्ट एम नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी एक स्पॉट चूज करना है, ठीक है, कुछ भी स्पॉट, और आपको उस पर डायरेक्ट 360 मारना है, आपको एनिमीज पे ट्राई नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एम अगर गलत भी होता है तो तब भी ठीक हो जाता है। तो आपको एक स्पॉट चूज करना है, या तो आप पेड़ चूज कर लो या पे कहीं पे कोई मार्क चूज कर लो, और आप उस पर कंटिन्यूसली 360 जो है राउंड में रोटेशन पे टैप करते रहो जब तक आपका एम पूरा परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ से आपका एम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ टिप की। तो काफ़ी सारे बंदों को ये चीज़ पता होगा कि जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है उतना कम एक्यूरेसी रहता है, लेकिन काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं कि एक्यूरेसी वाले गन स्किन्स लेते हैं, उनको लगता है कि उनका एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब भी आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है ना 50 से अबो, आपका जो एक्यूरेसी वाला गन स्किन है वो ज़्यादा रिकॉयल ही करेगा। तो यही एक रीज़न है कि पुराने टाइम में जो भी सारे गन स्किन्स थे, जैसे विंटरलैंड M10 था, जो भी एक्यूरेसी वाले गन स्किन्स थे वो अब बिल्कुल भी फालतू चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अब जाके कोई भी 50 पे नहीं खेलता है, इसीलिए एक्यूरेसी वाली गन स्किन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है। अब बात करते हैं हमारे 6 टिप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी प्लेयर के लिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो में एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैं बंदे को देख भी नहीं रहा हूँ और मैं उस पर सीधे फायर कर रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब मैं बंदे के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, या तो मैं उसकी मूवमेंट्स हेडफोन पे सुन रहा हूँ, या तो मैं सीधे जज कर रहा हूँ कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप एनिमी के मूवमेंट्स को जज नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप एक फास्ट प्लेयर नहीं बन पाओगे जो कि फास्ट तरीके से किल्स करे। यही चीज़ होता है CS में, जब आप CS में शॉट मारते हो और ग्लू वॉल तेज़ी से मारते हो, आप वो देख के नहीं करते, आप सारा जज करते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब तक आपका जजिंग पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, तब तक आपका गेम प्ले फास्ट और एक्यूरेट नहीं होगा। आप हर बार देख के काम नहीं चला सकते हो, कुछ बार आपको हेडफोन का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ बार आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, मैंने बस सुना कि बंदा कहाँ से निकला और उसने लैंडमाइन यहाँ पे लगाया, लेकिन फिर भी आई वॉज सो मच एक्यूरेट कि मेरे को पता था कि वो बंदा क्या कर रहा है ऊपर, और मैंने उस पर बिना देखे फायर किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बिना देखे मैं बंदे को मार रहा हूँ। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है बस प्रिडिक्शन से। अब बात करते हैं हमारे 7 टिप का, जो कि है M1014 शॉटगन यूजर्स के लिए और MP40 SMG यूजर्स के लिए। तो काफ़ी सारे बंदों को ये चीज़ नहीं पता है कि अगर आपका एम भी परफेक्ट होगा, फिर भी M1014 में ड्रैग शॉट लगाना विदाउट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो काफ़ी सारे बंदे यही बोलते हैं कि जो वन टैप यूज़र्स होते हैं M1014 के, वो कैसे लगा पाते, उनका DPI और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तभी जाके उनका ड्रैग लगता है। लेकिन MP40 में ये चीज़ नहीं होती है, इवन अगर आप लोवेस्ट सेंसिटिविटी पे भी खेल रहे होगे, फिर भी MP40 में ड्रैग लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब बात करते हैं हमारे 8 टिप का, जो कि है रिलेटेड टू डाशा कैरेक्टर एबिलिटी। तो आप सबको ये चीज़ पता होगा, जब भी आप ड्रैग करते हो ना तेज़ी से, जब आप क्विकली फायर करते हो विद ड्रैग, तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि या तो बुलेट्स डिस्पर्स हो जाती है या तो एनिमी पे एक भी बुलेट नहीं लगती है। तो वही चीज़ काफ़ी हद तक डाशा की जो एबिलिटी है वो कंट्रोल करती है। आप ये कैरेक्टर यूज़ करके ये चीज़ पहले ही नोटिस करोगे कि आपका जो है ड्रैग बहुत ही अच्छे से लग रहा है, क्योंकि एम ज़्यादा यहाँ वहाँ, मतलब बुलेट्स यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं लगेगी। तो आप इस कैरेक्टर को यूज़ करो, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है एम कंट्रोल। अब करते हैं बात 9 टिप का, जिसका शॉर्ट में यही मतलब है कि आप स्पीड और एक्यूरेसी में दोनों में से एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको दोनों लेके आगे बढ़ना है, तब भी जाके आप एक अच्छे प्लेयर बन पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपने प्लेयर्स देखे होंगे जो बस स्पीड पे खेलते हैं, और काफ़ी प्लेयर्स को देखा होगा जो बस एक्यूरेसी पे खेलते हैं, जो बहुत स्लो लगते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, आप तब भी जाके आगे बढ़ पाओगे जब आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब बोथ आप स्पीड और एक्यूरेसी, आपके पास एक परफेक्ट मिक्स होगा दोनों का। अब करते हैं लास्ट टिप की बात, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बंदों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आज मैं फिर से 3 साल बाद वो बात रिपीट करना चाहता हूँ जो मैंने पीक पे आज से 3 साल पहले बोली थी आपको। इवन अगर आपकी तरफ 50 बंदे भी रश कर रहे हो ना, आपको जब खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना, वो 50 बंदे भी आपको नहीं मार पाएंगे।
तो हमेशा याद रखो, कभी अपने कॉन्फिडेंस को नीचे आने मत दो, क्योंकि साथ में आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों नीचे आ जाएगा। तो हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद खेलो खुद सीखो लेकिन दिमाग से, और कभी भी डरो मत, ठीक है। चाहे फिर आपके पास कोई सी भी गन हो, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है ना तो एनिमीज को डरने की जरूरत होती है, ना कि आपको, ठीक है। तो जाओ बजा दो सबकी और दिखा दो कॉन्फिडेंस का क्या रियल मतलब होता है। तो चलता हूँ अभी के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पार्ट 2 ज़रूरत होगा तो ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।